सो so, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे एंड दिस केस इज़ अबाउट की मिडिल एज वूमेन एंड शी प्रेजेंटेड विद इंटरमीडियट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग सो आपका डायग्नोसिस क्या बनता है ऐसे टाइप के केसेस क्लिनिक पे भी बहुत आते हैं तो आपका क्या इसमें डायग्नोसिस बनेगा तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि ये जो स्वेलिंग है शी इज़ हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इससे हम पूछेंगे कि आपको सबसे पहले डिग्लूटेशन करना है मतलब थूक घोटना है और देखना है कि ये स्वेलिंग मूव होता है कि नहीं होता है सो लेटेस सी ओके okay, डेगलुटेशन हुआ यस दिस इज अ अवाइटर दिस मूव्स विद डेगलुटेशन सो दिस इज अ क्लीन केस ऑफ क्वाइटर एंड दिस कैन बी एसोसिएटेड विद यू थायरोडिज्म हाइपो या हाइपर तीनों केसेस में आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं तो यूजुअली लाइक दिस प्रेजेंस इन फीमेल्स तो इसमें ज़रूरी नहीं है या तो ये हाइपो में हो या हाइपर में हो ये सारे केसेस में मिल सकते हैं सो so, ये एक्चुअली एक सब्सटर्नल गोइटर है दिस इज ऑल्सो नोन एज द रेट्रोस्टर्नल गोइटर। तो इसको हम लोग कैसे डायग्नोज करेंगे कि दिस इज अ अब्सटर्नल गोइटर? सो सबसे इंपॉर्टेंट साइन इसमें यह है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेकिया को पैल्पेट करने जाओगे तो ट्रेकिया पैल्पेट नहीं हो पाता है सो यहाँ पे द फिंगर कैनॉट बी प्लेस्ड इन टू द सुपरास्टर्नल नॉच ओके सो दिस सब्सटर्नल ग्वाइटर दिस इज जनरली डिफाइंड एज द थैरोड मॉस विच हैज़ फिफ्टी परसेंट और मोर वॉल्यूम लोकेटेड बिलो द थोरासिक इनलेट ये जो थोरासिक इनलेट है इससे इसमें लगभग फिफ्टी परसेंट से, से ज़्यादा लोकेशन है ओके okay, सो so अब हम लोग बात करते हैं मल्टी नोडुलर गोइटर की सो so ये जो गोइटर है दिस इज एक्चुअली एन एनलार्ज थायरॉयड ग्लैंड और ये जो होता है दिस इज़ एक्चुअली प्रजेंटिंग एज अ लम्प इन फ्रंट ऑफ द नेक एंड ये बिलो द एडम्स एप्पल मिलेगा फोर्थ पॉइंट है कि दीज आर यूजअली पेनलेस फिफ्थ इज की दिस इज़ मोर कॉमन इन वुमेन एज कम्पेयर टू मेल्स ठीक है सिक्सथ इज दिस इज मोस्ट द मोस्ट कॉमन कॉज वर्ल्ड वाइड इज आयोडीन डिफिशियंसी एंड सेवेंथ इज लाइक स्वेलिंग इज द मेन सिम्टम और ज्यादा स्वेलिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रिकिया को कंप्रेस करेगा एंड डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग होगा जैसे हमने डिस्कस किया था अर्लीयर कि इंटरमीडियंट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अपार्ट फ्राम दिस आपको और भी पॉइंट्स मिलेंगे यस दिस मूव्स विथ दिस मूवस विद अप एंड डाउन मूव होगा एंड देन यूथरयड हाइपोथरॉयड या हाइप्रथोरयड के केसेस में मिलेंगे सो याद रखिए कि टाइप्स ऑफ कॉयटर कौन कौन से होते हैं सिंपल होता है नूडलर होता है और मल्टी नूडलर गोइटर्स होते हैं ट्रीटमेंट में वॉट वी गिव ट्रीटमेंट में वी गिव रिलीविंग कंप्रेशन रिस्टोरिंग यूथरयडिज्म मेडिकेशंस एंड सर्जरीज सर्जरीज वो केसेस में की जाती है एमरजेंसी सर्जरीज जिसमें ट्रेकिया का बहुत ज्यादा ऑबस्ट्रक्शन होता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट गोइटर ओके थैंस फॉर वॉचिंग आइस